हाय बच्चों, आज भी बहुत इंफॉर्मेटिव डिफरेंस आपके लिए मैं लेके आई हूँ। लेटर, लेटर एंड लेटर, ठीक है? कुछ बच्चों को इनका डिफरेंस पहले से पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है तो वीडियो उन्हीं के लिए है। नीचे से स्टार्ट करते हैं लेटर, ठीक है? एग्जांपल के साथ बताऊंगी। लेटर मैंने लिखा, ही केम लेटर देन मोहन, मीन्स इस लेटर का मतलब होता है, या फिर हम यूज करते हैं बाद के लिए या फिर बाद में, ठीक है? ही केम लेटर देन मोहन, यानी कि वो मोहन के बाद आया, ठीक है? कौन आया? ही, कोई भी हो सकता है लड़का। ही केम लेटर देन मोहन, वो मोहन के बाद आया। ओके, तो मोहन पहले आया और ये जो ही है वो बाद में आया, ठीक है? तो इस लेटर का मतलब पता है आपको बाद में। इस लेटर का भी आप मतलब जानते ही होंगे, क्योंकि स्कूल में लेटर लिखकर ही तो पास हुए हो। इंग्लिश में लेटर लिखना पड़ता है, हिंदी में पत्र लिखना पड़ता है, तो ये क्या है? पत्र, ठीक है, जो आप स्कूल में लिख चुके हैं। या फिर आपके घर पे कोई भी लेटर आता होगा पोस्ट ऑफिस से, ये वो टाइप का लेटर है। हेयर इज अ लेटर फॉर यू, ये आपके लिए पत्र है, ठीक है? कृपया इसे देखिए, पढ़िए, कुछ भी करिए। अब आ जाओ लेटर, LATER, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी टाइप की मिस्टेक्स, कंफ्यूज होके वो कर आते हैं। मीनिंग उन्हें पता है, हर चीज क्लियर होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज होके वो मिस्टेक कर देते हैं। तो आप ये मिस्टेक ना करो, उसके लिए आपको डिफरेंस पहले क्लियर कर लो, फिर मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग जाए तो, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस लेके आती हूँ, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, नोवल एक्सप्लेनेशंस और UPSC, इन सारे टॉपिक से लेके आती हूँ। अगर इनमें से आपका कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आ जाओ LATER, इसको भी पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ही ऑफर्ड मी क्या क्या ऑफर किया? Apples and oranges, but I preferred the later. I'm removing this part because I need space. ठीक है, सेंटेंस का अगर आपको हिंदी मीनिंग पता चल गया हो तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब भी बाद वाला होता है। बाद वाला मीन्स ही ऑफर्ड मी एप्पल्स और ऑरेंजेस, उसने मुझे क्या ऑफर किया? एप्पल और ऑरेंज, लेकिन आई प्रिफर द लेटर, लेकिन मैं क्या पसंद करूंगा? लेटर, लेटर यानी कि बाद वाला। अब बाद वाला क्या है? एप्पल बाद में लिखा है या ऑरेंज बाद में लिखा है? ऑरेंज बाद में लिखा है ना, तो उसे क्या चाहिए, उसे क्या प्रिफर करना है? ऑरेंजेस, ठीक है? तो लेटर मतलब बाद वाला। तो ये तो था डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर आपको और भी डीप तरीके से इन सब में डिफरेंस जानना है तो आपको मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले वीडियोस देखने होंगे, जो हो सकता है बन गए हों या हो सकता है फ्यूचर में बने, तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और भी डिफरेंसेस होते हैं इसमें, वो ग्रामेटिकल डिफरेंसेस होते हैं इसमें। तो ये तो थे बहुत माइनर डिफरेंस जो मैंने आपको बताए, ठीक है? और अब अगर मैं आपको स्पोकन के तरीके से बताऊं, तो जैसे कि आप सब जानते हो, इंग्लिश स्पीकिंग में एक सेंटेंस को कई तरीकों से बोला जा सकता है, ठीक है? यानी कि आपकी जो भावना है, जो मतलब है, वो एक रहना चाहिए, लेकिन आप उसे 10 तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हो। जैसे कि यही है, He offered me apples and oranges, but I preferred the latter. अब इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, अगर सामने वाले की इंग्लिश अच्छी है तो वो समझ जाएगा इस लेटर का मतलब, और अगर उसकी इंग्लिश एवरेज है, ठीक ठाक है, तो अगर आपने बोला ही ऑफर्ड मी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बट आई प्रीफर्ड द लास्ट वन, लास्ट वन का मतलब भी क्या हो गया? ये बाद वाला, ठीक है? जो लास्ट में है मैं उसे प्रीफर करूंगा, ठीक है भाई? यानी कि ये बाद वाले को मैं प्रीफर करूंगा। ओके, तो इंग्लिश में आप एक सेंटेंस को बहुत तरीकों से बोल सकते हो। तो ये तो मैंने स्पोकन के नज़र
तो ये मैंने स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, लेकिन जो इससे पहले लिखा हुआ था वो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल पे बताया था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और भी डिफरेंसेस हैं उनको चेक कर लेना, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।